हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का सारा मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बना चुका है पहले वीडियो में। तो आपने फॉर्मूला अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। मैं इसमें आपको बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा और आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा इंटीग्रेशन कैसे कहते हैं। आप इस वीडियो से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप अगर आप डिफ्रेंशिएशन जानते हैं तो आप जानते होंगे डी बाई डी एक्स, अगर आप किसी फंक्शन का ये फाई एक्स जो है ये कोई फंक्शन है मान लेते हैं, इसका अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन कुछ बनता है। अगर आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा मान लेते हैं। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास फाई एक्स आता है। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा ये कैसे हुआ, तो इससे ये समझ आता है अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं फाई एक्स का तो आपके पास आंसर एफ एक्स आता है, लेकिन अगर एफ एक्स का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका फाई एक्स आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इंटीग्रेशन है और जो डिफरेंशिएशन है दोनों का इन्वर्सली होता है, मतलब कि अपोजिट होता है। अगर आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन साथ साथ डिफरेंशिएशन करते हैं, मान लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो इसका जो आंसर आएगा आंसर जो आएगा इसका ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर एफ एक्स आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अपोजिट होता है तो कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आपके पास एफ एक्स आता है। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हम आर डी शर्मा पढ़ रहे हैं तो आर डी शर्मा क्वेश्चन देखते हैं। पहले एग्जाम्पल्स करते हैं, एग्जाम्पल से सारा कवर हो जाएगा आपका। तो पहला क्वेश्चन जो है, आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको पूरा जो ज़रूरत है आपके लिए ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग, बोर्ड के अकॉर्डिंग और आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो सारा मैं आपको क्लियर कर दूंगा यहीं से। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोज़ आपके पास आते रहेंगे। मैंने आर डी शर्मा का डिफिनेशन सारा बना चुका है, एन सी आर टी बना चुका है, मेरे वीडियो में जाकर चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन जो है इसको करते हैं। पहले हम इंटीग्रेशन इसका कैसे करेंगे, आपको बेसिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एक फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, इसका क्या होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। तो आपके पास एक्स की पावर फोर है, कोई भी नंबर हो एक्स की पावर में कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। तो देखिए अब सॉल्व कैसे करते हैं। आपके पास एक्स पावर फोर है तो मैं यहाँ अप्लाई करूँगा इंटीग्रेशन एक्स की पावर फोर डी एक्स, दिया जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन। तो आपके पास क्या आएगा इसका आंसर, एक्स की पावर फाइव बाय फाइव प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इंटीग्रेशन होता क्या है, कैसे सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, और समझना, अगर समझ नहीं आया तो आपके पास ये, आपके पास एक और क्वेश्चन है रूट एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा आपको, पहले मैं एक बार और दो तीन बार मैं फॉर्मूला लिखूंगा, इसके बाद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे को। एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी, ये फॉर्मूला है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। एक्स की पावर रूट को क्या लिख सकते हैं, मैं क्या लिख सकता हूँ, वन बाय टू लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स वन बाय टू प्लस वन, नीचे वन बाय टू प्लस वन, इसका आंसर क्या आएगा एक्स थ्री बाय टू, ऊपर गया एलसीएम लिया थ्री बाय टू और यहाँ नीचे भी आएगा थ्री बाय टू, तो टू ऊपर चले गया टू बाय थ्री प्लस सी। तो सेकेंड क्वेश्चन हो गया इसका, पहले एक्सरसाइज का दो क्वेश्चन हमने देख लिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन दिया आपके पास इंटीग्रेशन वन बाय रूट एक्स डी एक्स, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप जब भी सॉल्व करते हैं तो इसको आप आई मानिए, आपको अभी से हैबिट डलवा रहा हूँ मैं ताकि आप आई मानेंगे तो बेहतर रहेगा। आई मान लिए, इसके बाद इंटीग्रेशन करना है आपके पास, ये आ जाएगा, इसको आप ऊपर ले आएंगे तो क्या आएगा एक्स की पावर माइनस वन बाय टू, आपको वही फॉर्म लगाना है एक्स माइनस वन बाय टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाय टू प्लस वन, ये फॉर्मूला है ना, बगल में आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। इंटीग्रेशन एक्स एन
एक्स एन प्लस वन, नीचे एन प्लस वन प्लस सी। ये फॉर्मूला लगाया, फिर बगल में आपको सी लिखना है, फिर आप और सॉल्व किए इसको क्या आएगा, टू ऊपर जाएगा एलसीएम लेंगे तो टू माइनस वन वन बाय टू, एक्स वन बाय टू आ गया आपके पास, और यहाँ भी वन बाय टू आएगा तो ये टू ऊपर चले जाएगा तो टू एक्स वन बाय टू प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। इसको हमेशा हमको आई मानना है, आप लेट करके मान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है इसका, इंटीग्रेशन वन बाय एक्स क्यूब डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना होगा आपको, पहले आप इसको लेट करके आई मान लीजिए, लेट आई इज इक्वल टू वन बाय एक्स क्यूब डी एक्स। अब इसको सिंपल सॉल्व करना है, पहले आप इसको ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट ऊपर ले जा सकते हैं, एक्सपोनेंट माइनस में हो जाता है, फिर डी एक्स, फिर आपको अप्लाई करना है माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन प्लस का सी, ठीक है। फिर आपके पास माइनस टू अपॉन माइनस टू आएगा प्लस सी। आप इस तरीके से भी एंड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि और सिंप्लीफाई करिए। और सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका नीचे माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आपके पास आंसर क्या आया, तो अब आपका इंटीग्रेशन लगभग क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा लॉजिक वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन जो है आपके पास ये दिया है, इवेल्यूएट ई की पावर फाइव लॉग एक्स माइनस ई की पावर फोर लॉग एक्स अपॉन में ई की पावर थ्री लॉग एक्स माइनस ई की पावर टू लॉग एक्स। घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आपको एक चीज़ मालूम होगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें मालूम होने वाली क्या बात है, आपको क्या मालूम होना चाहिए, e की पावर a log x को आप लिख सकते हैं e की पावर log x की पावर a, क्योंकि आपको log का प्रॉपर्टी मालूम होगा, log m की पावर अगर n है तो n log m लिख सकते हैं। तो यहाँ पास क्या दिया हमारे पास, y log x मतलब n log m, तो आप इसके पावर में लिख सकते हैं x की पावर 5। तो और आपको एक चीज़ और मालूम होना चाहिए इसके लिए, e की पावर log x, e और log कैंसिल होता है तो इसका आंसर x आता है आपके पास। तो यहाँ पर देखिए, मैं अगर यहाँ क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपके पास दिया है, लेट मान लेते हैं पहले, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x, बगल में dx, ये क्वेश्चन दिए। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला का यूज़ करके, m log n log m है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं पहले। किसी का भी फंक्शन अगर n log m है तो आप इसको पावर में लिख सकते हैं m के, ये n जो है इसको आप m की पावर में लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ 5 log x है तो मैं e की पावर log x की पावर 5 लिख सकता हूँ माइनस e की पावर log x की पावर 4 अपॉन में e की पावर log x की पावर 3 माइनस e की पावर log x की पावर 2 dx, ये आप लिख लिए। अब आपको मैं बताया था e और log कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 अपॉन x की पावर 3 माइनस x की पावर 2, आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपको इंटीग्रेशन में नहीं कर सकेंगे इसको आप। तो इसमें दिमाग लगाने वाली बात यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें x की पावर 4 को कॉमन लीजिए, यहाँ x बचेगा माइनस वन, और नीचे आप कॉमन लेना एक्स स्क्वायर तो यहाँ बचेगा x माइनस वन, तो ये वाला टर्म ये टर्म कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचता है फिर यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स पावर 4 तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स करना है। आप देखिए इसका आंसर डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, एक्स की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन सी। फिर आपका फाइनल आंसर जो आता है आई इज इक्वल टू
एक्स की पावर थ्री अपॉन में थ्री फिर प्लस सी, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन थोड़ा ख़तरनाक दिखता है, लेकिन अगर आपको टेक्निक और फॉर्मूला मालूम है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका इंडिकेशन हो गया। चलिए एक आध और क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन में आप ट्रिग्नोमेट्री टर्म से बच ही नहीं सकते, आपको हर क्वेश्चन उसी तरीके का मिलेगा। एग्ज़ाम में ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसमें आपको सॉल्व करने के लिए इसको सिंप्लीफाई पहले करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप इंटीग्रेट कर पाएंगे टर्म को। तो इस टर्म को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आपको पहले ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉस टू एक्स जो कि इलेवेंथ क्लास का फॉर्मूला है, यहाँ प्लस का है तो आप लगा सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, मतलब यहाँ टू एक्स तो फॉर्मूले में एक्स हो जाता है माइनस वन, फिर वन को इधर शिफ्ट कर दीजिए, वन प्लस कॉस टू एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये वाला टर्म हमारे यहाँ लिखा हुआ है, हमने फॉर्मूला बना चुका है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए तब आप सॉल्व कर पाएंगे। ये आपका इलेवेंथ क्लास का फॉर्मूला था जो कि हमने यहाँ यूज़ किया। अब देखिए अब आपको इसी में अप्लाई करना है। अब इसको आई मान लीजिए, लेट आई, फिर आपको टू बाय वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टू बाय यहाँ पास डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, आपने लिख लिया इस तरीके से। इसके बाद आप देख सकते हैं टू टू कैंसिल हो रहा है यहाँ पास, फिर आपका वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेंथ में आपने पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का आप देखिए यहाँ पास आप फंस जाएंगे, अगर आपको यहाँ पास फॉर्मूला याद नहीं है इंटीग्रेशन का तो यहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जब इसलिए आप प्रॉब्लम आने से पहले ही आप ये चीज़ करिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन इससे लगा रहे हैं तो एक बार पीछे पलटा के देखते हैं अगर तो बढ़िया है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये लिखा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा तो आप लिख सकते हैं टेन एक्स सेक स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला होता है टेन एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर था, इसमें कुछ नहीं था, इसमें बस आपको नीचे को सिंप्लीफाई करना था, फिर आपको फॉर्मूला पुटअप करना था, आंसर ऑटोमेटिक आ जाए। इसमें फॉर्मूले का ही खेल होते हैं, कहाँ बस किस तरीके का फॉर्मूला यूज़ करना है ये आपको ध्यान देने वाली बात होती है इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन है वो भी, टू बाय वन माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ते जा रहा है, तो घबराने की बात नहीं है, आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में, कोई भी दिक्कत आपको क्वेश्चंस में नहीं आएगा, प्लीज़ सॉल्व करते जाइए साथ साथ। क्वेश्चन नंबर फोर जो है इसमें आपको क्या करना है, इसको भी सिंपली आप फॉर्मूला देखते हैं हम, कॉस टू एक्स का एक फॉर्मूला नहीं होता, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, आपको याद होना चाहिए। इसमें आप लिख रहा हूँ वो याद भी करते जाइए, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू, आप बोल बोल लिखिए कॉस टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं यहाँ इसलिए लगाया कि यहाँ माइनस वाला टर्म है, तो मैं क्या करूँगा, ये माइनस वाला टर्म को इधर शिफ्ट करूँगा और इसको इधर शिफ्ट करूँगा, तो टू साइन स्क्वायर एक्स वन माइनस कॉस टू एक्स, तो आपके पास आता है टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस टू एक्स, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब आपको बस अप्लाई करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये रहा तो आप आई मानिए, मैं डायरेक्ट पुटअप कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए अब यहाँ वैल्यू दिख रहा है आपको यहाँ क्वेश्चन का, इसकी जगह मैं टू साइन स्क्वायर एक्स लिखूँगा और इसका आंसर लिखूँगा आगे सॉल्व करने के बाद, आई टू टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पास, ये आपका आई वन बाय साइन स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और आप जानते होंगे आई इज इक्वल टू आपके पास आएगा कोसेक का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ याद करना बहुत ही जरूरी है, आप करते जाइए आपको याद हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ देखिए आगे, ये क्वेश्चन आपको दिख कठिन रहा है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आपको यहाँ बेसिक फॉर्मूला यूज़ करना है, सेम फॉर्मूला कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पास टू साइन स्क्वायर एक्स में कट जाना अच्छी, इसको सोच के मैंने यूज़ किया, तो आई इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस, मैंने पुट कर दिया डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स
अपॉन में आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आता है। फिर आप इसको और सॉल्व करेंगे, आई इज़ इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। वन बाय कॉस क्या होता है, वन बाय कॉस आपके पास सेक स्क्वायर एक्स। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, सेक का होता है टेन एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। चलिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है, इसमें सेम क्वेश्चन दिया आपके पास इसी तरीके का। इसमें आपको टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस टू एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर बोल दिया है, बस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, बस कॉस टू एक्स का दूसरा फॉर्मूला जो होता है कॉस स्क्वायर है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये फॉर्मूला को आपको इसमें वैल्यू में पुट करना है यहाँ पास। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू को। सब इसमें पुटिंग का खेल, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अभी भी आप सॉल्व करिए तो आपको आराम से आ जाएगा। अभी स्टार्टिंग ही है, स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए कोई भी चीज़। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर आपका आ गया यहाँ पर आपको माइनस मल्टीप्लाई करना है, तो आई इज़ इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 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 प्लस अपॉन में स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ ये टर्म कैंसिल होता है, फिर आई इज़ इक्वल टू आपके पास आता है इंटीग्रेशन वन बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको ऑल करने पे वन बाय साइन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ आप फंस जाएंगे अगर आपको फॉर्मूला मालूम नहीं होगा तो। देखिए अब यहाँ आपका आंसर क्या आता है, आई इज इक्वल टू कोसेक का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी लगाना कंपलसरी। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स का। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे प्रैक्टिस करने पे ही आएगा आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें। मैंने जो पहले आपको बताया था वही फॉर्मूला इसमें भी यूज़ करना है, लॉग ए फी डी एक्स। ये क्वेश्चन है हमारे पास, पहले हमारा काम रहेगा आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स लॉग ए डी एक्स मान लेते हैं। अब मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, वी नो दैट ये लिखा आपको बेसिक फॉर्मूला क्या मालूम होना चाहिए, अगर n log की पावर log m है तो ये फॉर्मूला लिखा जाता है log m की पावर n। तो यहाँ पर देख सकते हैं x log की पावर x है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, जब भी आप आगे सॉल्व कर रहे होंगे किसी को तो आपको ये लगाना है एरो, उसके बाद आपको लिखना है इम्प्लाइज e की पावर log x की पावर x, ये x की पावर x चले गया ऊपर डी एक्स। इस तरीके से यहाँ एक्स सामने था ऊपर चले गया इस फॉर्मूले का यूज़ करके। अब आपको एक चीज़ और मालूम होगा, ई की पावर लॉग जो भी हो कैंसिल हो जाता है और आंसर एक्स आता है। और एक और चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, इस क्वेश्चन में यूज़ तो नहीं है, लॉग ई का वैल्यू वन होता है, ठीक है। यहाँ तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, ई लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पास ए है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में ए है, मैंने यहाँ गलती से एक्स लिख दिया, यहाँ ए आएगा, तो यहाँ पास भी ए आएगा ए की पावर एक्स। तो यहाँ से ई का लॉग कैंसिल, लॉग कैंसिल हो गया, उसके बाद आपका यहाँ ए की पावर एक्स बचता है इंटीग्रेशन और डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए आई आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका ए की पावर एक्स नीचे लॉग ए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है प्लस सी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब आपका मैं इसी तरीके से एक छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर एट। देखिए क्वेश्चन नंबर एट जो है थोड़ा सा लॉजिकल है, ए की पावर एक्स ए की पावर एक्स, ठीक है, फिर डी एक्स, इसको सॉल्व करना है।
सो अब थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं, आई इज़ इक्वल टू मान लेते हैं पहले, आई इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स को आप लिख सकते हैं ए ई की पावर एक्स, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप इस तरीके से, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हमने इस तरीके से लिखा, आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन अभी मैंने आपको बताया ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। अब इसी का अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ ए की पावर एक्स है तो आपको लिखना है ए और ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। तो ये इसका आंसर है। तो ये आपका पहला एक्सरसाइज जो है आर डी शर्मा का, एक्सरसाइज वन, एक्सरसाइज वन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये पहला एक्सरसाइज था आपका, ये मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, लेक्चर वन था ये। आपने अगर मेरा लेक्चर वन नहीं देखा फॉर्मूला वाला, इसमें आपको फॉर्मूला मैंने याद करवाया है पूरे तरीके से, आपको लिखवाया भी है, तो आपको फॉर्मूला लिख के याद करना है, तो आप मेरे पहले लेक्चर को जाके देखिए प्लीज़, आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, वो कहीं भी याद होना चाहिए ताकि आप आसानी से सॉल्व कर पाए इंटीग्रेशन को। तो इसी के साथ अगर वीडियो को एंड करते हैं, अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।